तो लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ फतवा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट। ये जंक्शन है और ये अंदर में पूरा प्लेटफॉर्म का भाग है और अंदर में यहाँ एक नंबर साइड है ये जो दिखा रहा हूँ। अभी प्रेजेंट में टिकट काउंटर इसी साइड है लेकिन सात नंबर साइड भी शायद बन चुका है। अभी मैं दो महीने बाद अपडेट देने आया हूँ तो चलिए मैं दिखाता हूँ। और ये अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत आता है तो ये एक नंबर प्लेटफॉर्म साइड है। देखिए यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर हुआ करता था कंक्रीट का लेकिन सब तोड़ करके हटा दिया गया। अब नए तरीके से इसका डेवलपमेंट चल रहा है। जो खाली जगह देख रहे हैं तो ये सब इन फ्यूचर देखिए पहले से बाउंड्री मार दिया गया है। रेलवे की ज़मीन अब ऐसा है कि पहले से बाउंड्री कर दी गई है। और देखिए ये पिचिंग के लिए और गिट्टी वगैरह गिराया जा रहा है। तो अभी मैं एक नंबर साइड हूँ और डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर काम चल रहा है लेकिन एक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो छः नंबर साइड चल रहा है। वैसे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि देखिए बाउंड्री काफ़ी दूर तक मार दी गई है। तो और ये फोर्थ ट्रैक का होने वाला है मुगल सराय से लेकर के यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के और झाझा तक लगभग 395 किलोमीटर का कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए दूर तक काम लगा हुआ है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको छः नंबर साइड सात नंबर साइड आगे में भी काम देखिए दूर तक इस तरफ और पूरा बाउंड्री मार दी गई है साइड साइड और काफ़ी दूर तक है। अगर इसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ की बात करूँ तो अभी 500 मीटर पर मैं हूँ और 100 मीटर पीछे और रख लीजिए तो 600 मीटर अप्रोक्स होगी। तो चलिए अब छः नंबर साइड और अंदर का जहाँ पर लोग उतर रहे हैं वही टिकट काउंटर वगैरह है। तो प्रेजेंट में ये एंट्री है यहाँ पर देखिए और यहाँ पर 41 अप 41 डाउन ट्रेनों का स्टॉपेज है। भीड़ देखिए आप लोगों की और ये अंदर का भाग है। अभी कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस है वहाँ पर टिकट काउंटर है। दिखा रहे हैं इसलिए कि ये सब फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा नए तरीके से इसकी डेवलपमेंट चल रही है। तो यहाँ पे देखिए ये जिस पे लोग चल रहे हैं एक नंबर प्लेटफॉर्म दो है तीन है चार है पाँच है और छः सात पीछे में जिसका कि डेवलपमेंट चल रहा है मैं दिखाता हूँ। और इस साइड पटना है और इस साइड मुकामा है और एक एफ ओ बी है जो सात प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करती है और एक एफ ओ बी है जो दो प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करती है छः और सात को। इसकी डेवलपमेंट में बहुत कुछ चल रहा है चलिए मैं दिखाता हूँ। पहले से इसकी स्ट्रक्चर बहुत बदल चुकी है। ऑटो देख रहे हैं यहाँ से आपको हिलसा के लिए दनियावा के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। सीधे ही साइड पटना है और इस तरफ बाज़ार है खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। ये पूरा डेवलपमेंट का एरिया है जो खाली प्लॉट देख रहे हैं। जो रियल स्ट्रक्चर है वो इस तरफ हो रहा है सीधे इस साइड से होते हुए इस्लामपुर की ओर कटती है नटेसर होते हुए नवादा को जाकर मिलती है फिर गया की लाइन में। ये जो भीड़ देख रहे हैं आप ये इस्लामपुर के लिए है। इस तरफ इस्लामपुर के लिए पाँच ही ट्रेन है लेकिन सब बेतरतीब है टाइम पर कोई नहीं है कि जिस टाइम जाना चाहिए लोग जा सके। और निर्माण का जो क्षेत्र है देखिए आप काफ़ी बड़ी पूरा ये एरिया निर्माण का ही है धीरे धीरे करके बनाया जा रहा है जो आप देख रहे हैं। और इस तरफ ही कुछ बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा होगा मेन शायद इंट्रेंस इसी साइड हो जाएगा क्योंकि मेन पब्लिक उस साइड है तो ऐसा कुछ है नहीं। चलिए मैं दिखाता हूँ जो नया वाला एफ ओ बी बना है जो नया वाला प्लेटफॉर्म बन रहा है वो नहीं होने की वजह से यहाँ पर लोग सीढ़ी के नीचे ही बैठे हुए हैं और भीड़ अक्सर होती है। सेट की संख्या बहुत कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा। और ये सात ये शायद छः नंबर प्लेटफॉर्म है और वो जो ट्रैक देख रहे हैं खाली वाला वो सात है आगे में जहाँ सीढ़ी है तो सात का अभी प्लेटफॉर्म हाइट हो रहा है ऐसा सुना हूँ लेकिन लिखा हुआ नहीं है। और ये सब खाली जगह जो है वो निर्माण का है देखिए आप धीरे धीरे निर्माण चल रहा है आगे में। और मैं दिखाता हूँ आगे चल करके से पटना से इस्लामपुर के रूट से कम 10 ट्रेन चलना चाहिए था हर घंटे 10 अप 10 डाउन तो लोगों की सहूलत भी होती और लोग आराम से जा आ सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस रूट में क्योंकि अभी जो ट्रेन आ रही है इसके बाद एक पैसेंजर और उसके बाद फिर कोई ट्रेन नहीं है मगध है तो वो एक्सप्रेस है जो सभी जगह नहीं रुकती है। और ये निर्माण का क्षेत्र है जहाँ आप देख रहे हैं बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं धीरे धीरे और जो भी कुछ होगा मैं दिखाऊँगा। तो जो पहली ट्रेन है वो मॉर्निंग में ही है 8 या 7:30 बजे हटिया इस्लामपुर और उसके बाद फिर जो अभी ट्रेन आने वाली है जो पटना बक्सर के नाम से जाना जाता है फतवा बक्सर के नाम से वो नटेसर तक जाती है। फिर इसके बाद है एक बरौनी पटना जो यहाँ से पटना इस्लामपुर के नाम पे खुलती है। उसके बाद मगध एक्सप्रेस है 2 बजे करीब यहाँ से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर कोई ट्रेन नहीं है डायरेक्ट रात में 8 बजे है तो इस तरीके का गैपिंग है। कम से कम बीच बीच में 2-2 घंटे में भी ट्रेनें रहती तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ कितनी है। निर्माण का जगह है देखिए टिकट काउंटर बनता है या वेटिंग हॉल आगे में WMM भी गिरा हुआ है वहाँ तो हो सकता है वहाँ पर रोड चौड़ा हो खैर जो भी है। और इस तरीके से लोग धूप में खड़े हैं देखिए मैं भी धूप ही में चल रहा हूँ। सीट की कमी अभी लेकिन धीरे धीरे हो रहा है आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि कितनी भीड़ है लोग किस तरीके से परेशान हैं। ये निर्माण का क्षेत्र है लेकिन सीट होने की वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ। और ये पूरा एरिया है जो डेवलपमेंट का है इस तरह भी पूरा एरिया है जो डेवलपमेंट का है। और ये भीड़ और ये एफ ओ बी चालू हो चुका है स्टेयर वाला और सीधे इस तरफ इस्लामपुर की चली जाती है। और ये भी जो पैसेंजर आ रही है वो एक्सप्रेस है मतलब यहाँ से हिलसा रुकेगी फिर गंगर सराय एक हंगारी धाम रुकना स्टार्ट हो चुका है। और सामने ये जो जगह देख रहे हैं ये ड्राई पोर्ट है जहाँ सीमेंट है खाद्य पदार्थ है बहुत सारी चीज़ें जो उतरती है
तो इस तरीके से मैं पूरा दिखाया। सामने जो रेड कलर का ट्रेन देख रहे हैं वो श्रमजीवी एक्सप्रेस है और वो मेन लाइन है, हावड़ा पटना मेन रेलवे लाइन। और लोगों की भीड़ बनी हुई है। और चलिए आगे देखता हूँ, क्योंकि जिस पे लोग खड़े हैं, 7 नंबर प्लेटफॉर्म मैं कह सकता हूँ, अभी प्लेटफॉर्म की नंबरिंग नहीं है, नंबरिंग होगा तो 6 और 7 होगा, तो उसे हाइट करने का प्रक्रिया चल रहा था लेकिन रोक दिया गया है। तो जो भी है निर्माण की प्रक्रिया को मैं दिखा रहा हूँ, चलिए अभी दिखाता हूँ। और भीड़ को देखिए आप, एक भीड़ बरकरार है, अपने चरम पे है। गर्मी में लोगों को प्यास लगी है, कोई गर्मी से परेशान है, एकदम तपती धूप है, 40-42 डिग्री होगा टेम्परेचर, और लोग इस तरीके से खड़े हैं धूप में, क्योंकि सेट की कमी है अभी प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर में होगा। और ये सब एरिया देखिए जो ड्राई पोर्ट के रूप में है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है फतवा, तो इसीलिए यहाँ पर पूरा इंडस्ट्रीज़ का एरिया है, इसीलिए यहाँ पर, और यहाँ पर बाहर से जो मालें आती है उतरती हैं। चलिए कोशिश करता हूँ इस धूप में आगे दिखाने का डेवलपमेंट की तस्वीर कुछ दूर तक चल करके। बाकी जो FOB है तो वो रेडी है, देखिए आप, जिससे मैं उतर रहा हूँ। तो और वो जो एरिया है सामने वाला वो मैं दिखाया आप लोगों को। इस्लामपुर साइड लास्ट में आ गया हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ाई जा रही थी, मैं सेट वगैरह देखा था काम होते हुए, लेकिन अभी नामो निशान नहीं है, मिट्टी भरा हुआ है, देखिए यहाँ पर मिट्टी है डाला हुआ, और आगे में फर्मा भी लगा हुआ था। तो अभी मैं इस्लामपुर साइड चल रहा हूँ, आगे मैं इसकी जो हाइट बढ़ रही है वो मैं दिखाऊंगा, मैं देखा हूँ और मैं दिखाऊंगा, रुकिए आप। तो ये जो प्लेटफॉर्म ये 6 है, और देखिए आगे वहाँ पर फर्मा लगाया जा रहा है और इसकी लेंथ बढ़ाई जा रही है। मैं कहा था लेकिन मैं ध्यान से उतर गया था कि कौन साइड होगा, तो यही अपडेट है मेरे माध्यम से, मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर से बेहतर अपडेट करने का। और इस तरफ कंटेनर वगैरह लगा हुआ रखा हुआ देख रहे हैं आप, तो मालगाड़ियों से आता है, वहाँ पर प्याज शायद लोड हो रहा है। तो इस तरीके से चलिए मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो कैसा लगा और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए, थैंक्स।